यार सूरज माशाल्लाह। ओ सॉरी नहीं यार, चांद यार क्या हुआ आपको? रात में भी सूरज आपको नजर आता है? तो आपके क्या पोजीशन है? हमारा खुद भूख लगा हुआ है। कौन सा नशा करते हो? सवाल अपने व्यूअर्स को बता दो। हमारा क्या है सर? नस्वार है बस, वो भी हम लोग नस्वार में पास। दोस्तों ये भाइयों ने लाया है, खास कर ये वाला, क्या नाम हो गया, क्या नाम कहते हैं इसको? ये फ्लेवर वाला। चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ख्याल करना जैन भाई, ऐसा ना हो कि इसका आदि बन जाए। हाँ ये बात भी है, ये आदि बन सकता है बंदा। मेरे पास था वो दूसरा वाला, वो नहीं है इलेक्ट्रिक वाला। जी जी, मैं वो यूज करता था मतलब कभी कभार अपने गाड़ी में जब हम सफर करते थे। मैंने जरूर भाई से पता क्या बोलता है, ये 16,000 रुपए इसका जो पाकिस्तानी रेट है। हाँ। और इसके अलावा इसमें मेरे अंदाज में कोई 100 फ्लेवर्स हैं इसमें। अरे यार भाई, मैं तो हमारे लिए तो सारे यूके हैं। बिल्कुल, हम तो समझते भी नहीं। हमें समझ भी नहीं आता, ये यूसुफ और मुनीर भाई ने लाया है। अच्छे वाले ये अच्छी, बिल्कुल ये एक बार जाने पहले इस तरह के लाए थे, फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त है। इसका खूबी ये है कि ये खराब भी नहीं होता है, टूटने का भी खतरा नहीं होता है ना इसमें। चलो इनको अभी मैं इसको दो कराता हूं। जी जी जी, नवाज भाई, रहीम साहब आप भी हुक्का पी होगे? हां खुदा को मानो। हां क्यों हुक्का पीना आपने? ना यार फ्लेवर है। हां हुक्का नहीं रहीम साहब, भाई इन चीजों से दूर है। रहीम साहब ये नशा क्या है? और क्या है नशा में यार, क्या है? अरे रहीम साहब कह रहे ये नशा है। नहीं नहीं भाई, नशा ही कुछ कोई नशा नहीं है। कोई नशा नहीं है भाई, आप डरे नहीं रहीम साहब, पी ले आप। नस्वार भी उसमें नशा है। अच्छा चुलम में भी नशा है? चुलम बोलता है कि चुलम में नशा है? नशा है कौन सा चुलम? नशा नहीं कर रहे भाई, हमें तो नशा नहीं कर रहे। रहीम साहब का भी अपना वो है। रहीम साहब लेकिन आप कौन सा नशा करते हो? आज अपने व्यूअर्स को बता दो। हमारा क्या है सर? नस्वार है बस, वो भी हम लोग नस्वार में फंस गया। नस्वार जिस शाम को खिला दो वो भी मर जाता है, फिर भी बोलते हैं नस्वार नशा नहीं है। नशा है, नशा नहीं है वो, नशा है क्यों नहीं? चले रहीम साहब इसीलिए पावर में नजर आते हैं आपको और शोज में, इसीलिए वो क्योंकि नस्वार करता है। जब भी उसके साथ कोई अटैक होता है उसके बाद वो सबसे पहले नस्वार पीना शुरू कर देता है। तो यही भाई रहीम साहब की खासियत है, वो जो इतने फिट है, जितने भागते हैं माशाल्लाह। भाई जान चाय बन गया, वो भी ऐसे माहौल में, पानी हो, पहाड़ हो, साथ में प्यारे प्यारे दोस्त हो, ठीक है, मजा आ जाता है यार। ये थैंक यू जैन भाई। जी जी, ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है भाई, क्या बात है, ये रहीम साहब ने बनाया भाई, रहीम साहब ने। ये सारा क्रेडिट उस बंदे को जाता है, रहीम साहब को। वाओ, अभी एक स्लो मोशन में भी आपको वीडियो देख। जी भाइयों मेरा भाई, हमारा जिस जगह पे ठिकाना है वो जगह मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक फैमिली है, नहीं तो मैं सुबह से कह रहा हूँ नहीं नवाज भाई इंशाल्लाह ये लोग जाएंगे, नवाज कह रहे हैं ये लोग मुश्किल जाए क्योंकि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। क्या हो रही सब सही है? बस एक जगह भी अच्छा है भाई। रहीम भाई बोलते हैं चीनी कम है। नहीं आप तो माशाल्लाह माहिर उन चीज़ों में, शुगर होना चाहिए भाई, आप तो माहिर उन चीज़ों में। बस खाम खाम कभी कभी होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो चाय ट्राई करते हैं भाई। ओ भाई यार कम डालो, शुगर हो जाएगा आपको, इतना सारा चीनी इसने डाल दिया रहीम साहब ने। डायबिटीज पकड़ लेगा भाई। हाँ जी करें। वाह यार क्या बात है कसम से। वाह रहीम साहब कुर्बान, क्या बात है, क्या अच्छा है माशाल्लाह, जबरदस्त। वाओ क्या अच्छा है माशाल्लाह। क्या देख रहे हैं भाई? मैं देख रहा हूँ बीच में बीच में क्या बीच में कड़ा रही सब। चले भाई चाय पीते हैं, आपसे फिर मिलते हैं। जान जगह के कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और देखो ये वो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये जितने भी गाड़ियाँ अभी आ रही है ना वो सारे रात को ही स्टे करेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो जगह था ना वो असल में वो जो गाड़ी है जो अभी मैंने आपको दिखाया, क्योंकि औरतें थे वो सारे गाड़ी में बैठ गए, तो उस वक्त मुनासिब नहीं समझ रहा था कि वो लोग बने। तो अभी जाके इंशाल्लाह उधर मैं अपना गाड़ी खड़ा करता हूँ, बाकी लोग जितने भी हमारे टीम के वो सारे लोग ये चाय वगैरह पी रहे और मशवरा हो रहा है कि भाई क्या करें, क्योंकि आज का जो रात है ना वो भाई तिक्का बन रहा है, बिरयानी बन रहा है और अलग अलग किस्म के खाने बन रहे हैं। तो सब कुछ आपको टेस्ट करवाएंगे, जो चीज़ें हम पसंद करते हैं आप व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दें।
जी दोस्तों, आखिरकार हमने उस जगह पे कब्जा कर ली जिस जगह के बारे में बता रहा था मैं। नवाज भाई, कैसा जगह है? बहुत जबरदस्त, बहुत। मैं पता है क्यों ऐसा कह रहा था, मैं सोने के लिए कह रहा था। मैंने कह रहा हम जब सोएंगे ना जर्द पता, ये प्लेन है, हाँ स्मूथ है वो। अब वो जो जगह हम लोग स्टे कर रहे थे ना उस वक्त, वो जगह कुछ और ही था। कहा अपने माँ बाप दिल ने। जी दोस्तों, इस वक्त यानी कि सूरज डल चुका है, अंधेरा छा गई है। अब हम अपने सालन और जितने भी हमारे कुकिंग के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, भाई अकबर जान फिलहाल भाई आलू काट रहे हैं। ये मेरे ख्याल में चावल के लिए ना? हाँ, ये बिरयानी के लिए। हाँ, बिरयानी के लिए। मच्छर अभी काट रहे। मैंने कहा मच्छर है? नहीं, रही सब उधर से कह रहा था मच्छर नहीं है। मच्छर तो होगा, मैंने कहा मच्छर है भाई। और पानी करीब हमेशा मच्छर होता है भाई। अच्छा, जो हम अपने लिए कंबल उठाए थे ना, क्या कह रहे हैं? ओ भाई, तुम लोग पागल हो क्या? अच्छा, उधर कोई सर्दी नहीं है। अब चलो ठीक है, आप ऐसे ही सो जाओ रहे सब। देख अभी इस वजह से भी ठंडा होगा ना, पानी की वजह से ठंडा। ठीक है, वैसे भी वेदर भी चेंज है। दिन से हमने कुछ खाना नहीं खाया भाई, खाना हम लोगों ने किसी ने भी नहीं खाया है। शायद यूसुफ वालों को नहीं पता, बाकी मैं, नवाज भाई, जहूर भाई, अकबर भाई और रहीम साहब, हम में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। हल्का फुल्का सा जैसे हमने स्नैक वगैरह लिए थे। जी दोस्तों, इस वक्त टिक्का जो है वो बनने जा रहा है मसाले से, बिल्कुल उसको भून भाई। ये नेशनल का ज़बरदस्त कढ़ाई मसाला है ये वाला, खासकर हाँ ये इनके लिए बहुत बेस्ट है, खासकर ये टिक्का के लिए। ये सारा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। चलो ये डाल देते हैं भाई, एक बार भाई से हम पूछते जाएंगे इसमें, ये क्योंकि मिक्स फ्लेवर है ना, तो नमक भी डालेंगे इसमें। अच्छा, ये हो गया सुरख मिर्च, सिर्फ पिसे हुए, ये आर्डरी तौर पे आपके लिए मैंने बनवाए। वाओ जबरदस्त। अच्छा जी, वो नमक किधर गए भाई? नमक लाओ भाई, नमक यहां पिता यार, ये नमक लाओ कि हम लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। यकीन जाने नमक को देख के पानी आ रहा है। अल्लाह माफ करे, नमक असली जायका कर लेते हैं क्योंकि ये फिर छोड़ देते हैं पानी। इसमें पानी आ चुका है क्या? हाँ, ये मसला नहीं है इधर वैसे भी। ये इसमें हम नमक ऐड करते हैं। ये भाई हमारा एक रेसिपी बन रहा है, समझो क्या रेसिपी। लेकिन शर्त ये कि गोश्त को दो दफा पहले धोना चाहिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल साफ तरीके से। इसका घी चफमिंग का, नवाज भाई लगा हुआ है भाई अपने, ये क्या डाला है नवाज भाई? घी है भाई, घी है। बहुत नाराज कर रहे हो यार, ये देखे रहीम साहब को भाई पीमा काट करवा रहा है भाई। चल ये ऑर्डर किसने दिया इसको यार? मैंने गलत काट दिए मैंने, ये एक जगह पे रखना है तब तक ये प्याज तो नहीं काटेगा। नहीं नहीं, ये कट चुके हैं भाई। अच्छा, ये रेडी हो चुके हैं। रे सब इधर देखना जरा, ज्यादा छोटा नहीं है यार। देखो यार, देखो भाई, छुरी भी टेढ़ा नहीं, गुस्से से छुरी भी टेढ़ा। ये छुरी पे आप नहीं रखो, ठीक है? ये काट उसी तरह से रे सब। क्या है ये छुरी? अभी देखो, कंट्रोल कंट्रोल। ये जो टक टक की आवाज आ रहा है ना, हमारा जो बुरशी साहब है वो क्या कर रहा है? क्या भाई, जरा बता दे क्या कूद रहे हो भाईजान? भाईजान इसमें लहसुन और अदरक को जो ग्राइंडर किया जा रहा है। ओए ओए, देसी तरीके से? देसी तरीके से, बलोची तरीके से। वाह जी वाह, वैसे तो हमें मशीन की जरूरत होगी। अच्छा, इसका पेस्ट बनेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हो जाएगा ना, पाउडर बन जाएगा। अरे यार, ये तो फिर और भी जायका होगा। वाह, अच्छा इसमें क्या क्या आपने मिलाया? इसमें अदरक है, अदरक और लहसुन है। अच्छा, बस इसमें यही दो चीजें ग्राइंडर हो सकते हैं। वाह जबरदस्त यार, चलो भाई ले लेते हैं, और क्या करें, और कोई और चारा भी नहीं है। ये अभी बिल्कुल ग्राइंडर। अच्छा, इसमें फिर पानी आप ऐड करोगे यानी? जी हाँ, अभी अच्छा? इसमें पानी डाल देते हैं। अच्छा यार, सूरज माशाल्लाह, सॉरी नहीं यार, चांद यार, क्या हुआ आपको? रात में भी सूरज आपको नजर आता है जैन भाई? यार पता है नवाज भाई, असल में मुझे भूख लगा हुआ है, ठीक है? अच्छा, नाश्ता नहीं किया हुआ है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। सूरज अकबर भाई, मैंने अभी शॉट लेना था ना, उसका क्या नाम हो गया यार, क्या बोलते हैं, चांद का, मैं क्या बोल रहा हूँ, सूरज माशाल्लाह।
जी जी आपको मुझे लगता है भूख काफी लगी है, काफी हद से ज्यादा। आप सूरज चांद को सूरज कहने वाले हैं। बिल्कुल यार, बहुत ज्यादा भूख लगा रही तो आपके क्या पोजीशन है? हमारा खुद भूख लगा हुआ है। अभी क्या बोले रहीम साहब को आज बहुत ज्यादा भूख लगी है भाई, और यकीन जाने आज पहली दफा ये इतनी ज्यादा इतना शदीद तरीके से भूख। उसकी वजह ये भी है क्योंकि यार जो चीजें बन रहे हैं ना आज, वाओ, मुंह में पानी आ रहा है यकीन जाने। और माशाल्लाह अकबर भाई कुछ चीजें काट रहे हैं भाई। भाई ये टमाटर मैंने पहले से काट दिए, वो आलू हो गए कटिंग के साथ। जी जी, प्याज तो कट करके उसके अंदर मैं डाल दिए। ये मिर्च है लेकिन ये टेस्ट अलग-अलग टेस्ट कर लेंगे आप। हाँ ये वाली है। हाँ, इसके अंदर लाल वाली मिर्च ऐड करनी है, इन मिर्चों के अंदर लाल वाले ऐड। अच्छा, ये फिर उसका वो जो जायका खत्म कर लेता है, जो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाती है। जबरदस्त। अभी ये कुछ बिरयानी के लिए भी काट रहे हैं और वैसे टेस्ट के लिए भी काट रहे हैं। वाओ जबरदस्त। लेकिन मुझे पता था, आपको पता भी नहीं होगा, मैंने आपके लिए फेवरेट प्याज वाला अचार भी लेकर आया हूँ आपके लिए। क्योंकि अकबर भाई को पता है कि हम साथ में हमेशा जाते हैं ना, पता है इसको जायके क्या है, लेकिन अचार है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मैं बहुत कम मतलब वो करता हूँ, लेकिन खास कर पिकनिक्स पे। जी जी बहुत ज्यादा। पिछले दफा भी आए थे, लेकिन अक्सर बेशतर इस तरह होता है, एक ना एक चीज लाजमी भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ अगर भूलना भी हो मसला नहीं करता है। हाँ ना। क्योंकि पिकनिक में थोड़ा बहुत खुआरी नहीं हुआ। हाँ, वो कहते हैं कि पिकनिक में दर्द ना हो, दर्द जिसको हम अपने अल्फाज में कहेंगे, दर्द ना हो फिर उसका मजा ही नहीं है भाई, दर्द होना बहुत ज्यादा लाजमी है। तो यार काफी ज्यादा भूख लगी है, काफी ज्यादा। अभी हम लेंगे भाई थंबनेल, मैं देखता हूँ कहाँ पे थंबनेल लूँ, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या हुआ। बोलता है मैं कल रात से जो खाना नहीं खाया है। किसने कहा? मुनीर भाई ने। हाँ। मैंने बोला फिर भी कोई ना कोई तो चीज खाया होगा। बोलता है नहीं बस ज्यादा नहीं, छह दाने समोसे खाया हुआ है। मैंने बोला बस दिल आपका बिल्कुल बंद है। हां ना, बस बंद है। आप वैसे भी नहीं खाओगे यार। अच्छा यार, एक बंदा कम खाए बचत हो जाएगा यार, इतना ज्यादा भूख लगा खास कर तो माशाल्लाह। आप तो माशाल्लाह। मैंने तो कल रात से नहीं खाया, इसी चीज का इंतजार करने के लिए। नहीं चलो ठीक है यार, आप और मैं या वो नहीं खाए, रहीम साहब भी रात को भूखा था भाई। नहीं करो भाई, बीमार पड़ जाओगे बेजार मुकाबले करने की। रहीम भाई तो भाई पहले से सीएनजी पे है, वो कैसे? रहीम साहब ने भी मुकाबला वो किया। बहरहाल यार जितने भी चीजें हैं भाई जल्दी से जाके करते हैं इनको, अभी तैयारी होगी। जाहिर सी बात यार, जो हमारा सालन है वो तो इतनी जल्दी नहीं पकेगा, लेकिन टाइम लगेगा उसके अंदर। भाई क्या हुआ? तो देख रहा है अभी क्या कैसे होगा यार। भाई शेफ, ये तुम्हारा क्या काम है? टेस्ट तो करना है कि कैसे बन रहा है यार, अभी तक ये पका नहीं है भाई, अभी तक पका नहीं है। ये पिकनिक पॉइंट का कहना सालन के, इसको टेस्ट लगनी करना पड़ेगा कि भाई पका नहीं है भाई, पानी है सारा। हां तो अभी देख रहा हूं ना। हां चलो देखो। अच्छा चेक कर, चलो देख लो। नहीं टेस्ट नहीं कर रहा, चेक कर रहा यार। हां जी। वाओ, बिल्कुल गल चुका है भाई, गल चुका है। ले जाए, गल चुका है भाई, ले जाए भी। हां नहीं, कभी तक किधर है अभी तक, दो तीन दिन लगेगा पकने में। चल अभी हम थंबनेल लेते हैं और देखते हैं, और कुछ सिनेमैटिक शॉट। काफी देर के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि भाई कोई भी यानी कि जान नहीं बचा है हमारे अंदर। सो ये है कि क्या हुआ, कोई मसला आ रहा है? नहीं, हो गया। स्टार्ट कर ले सर भाई। ये डायरेक्ट हम लोगों ने कनेक्शन बनाया है डायरेक्ट गाड़ी की बैटरी के साथ। वाओ, फुल जुगाड़ा। ये जो ही टच करती है स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मशीन के जरिए से फिर आसानी से मेरे ख्याल में। और इसका खूबी ये भी है जनरल। हाँ जी, अगर फर्ज करो बैटरी बैठ भी जाए यानी चार्ज खत्म हो जाए ना, थोड़ा बहुत बैटरी गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद 5-10 मिनट बाद ये फिर से हो जा रहा है। मैं तो भूल ही गया था, यकीन जाने अभी मुझे नवाज भाई ने याद दिलाया कि भाई व्लॉग कहाँ गया आपका। तो हमारा जो टिक्का था वो तैयार हो गया माशाल्लाह, काफी ज्यादा जूसी, बहुत ज्यादा जबरदस्त। नवाज भाई ऐसा ही है ना माशाल्लाह, बहुत टेस्टी अमेजिंग। ये ग्रेटेड भाई, जहूर भाई, यूसुफ भाई और मुनीर भाई को जाता है, इनको ही इनका तरीका आता था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बहरहाल भाई, ये जैन भाई, ये सालन आ रहा है। अरे यार, इतना बेताब आज तक मैं नहीं हुआ हूँ। ये काफ़ी माशाल्लाह जूसी है, अगर आप देख लेना, देखें माशाल्लाह ऐसा है मतलब। हेलो प्लेट, वाओ भाई, सारा एनर्जी लो हो गया भूख की वजह से सबका। भाई खाना खा के फिर आपसे मिलता हूँ मैं। आप सबको अलविदा कहना चाहूँगा क्योंकि इसके बाद दूसरा व्लॉग मेरा स्टार्ट होगा।
सो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करते हैं और साथ में लाइक करना लाजमी बनता है। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में।